अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। आज हम आपको क्रिस्पी पकोड़ा की शानदार रेसिपी देने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अज़ा बताती हूँ कि हम इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आलू लिया है, उसको देखें मैंने चॉप कर लिया है। और इसके अलावा एक प्याली के करीब मैंने बेसन लिया है, इसमें मैंने नमक और मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही सेट कीजिएगा। और इसमें एक चुटकी मैंने कलौंजी और ज़ीरा लिया है, और ये थोड़े से खुश्क मेथी हैं तकरीबन उसके 2 चम्मच के करीब मैंने उसके पत्ते लिए हैं सूखे हुए, और प्याज ली है कटी हुई और हरी मिर्चें ली हैं। तो आइए फिर हम जो है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अज्जा तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा तो आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बाउल लेने लगी हूँ। बाउल में मैं ये जो आलू रखे हैं ये मैं इस बाउल में शामिल करूंगी। ये हरी मिर्चें भी इसी के अंदर जाएंगी, प्याज भी सारा इसी के अंदर जाएगा, और मैंने जीरा और नमक मिर्चें जो रखी थी वो भी मैं इसी में ऐड करूंगी। मेथी के पत्ते वो हम बिल्कुल आखिर में इसमें शामिल करेंगे। अब मैं इसमें बेसन डालूंगी, बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जितनी आपको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, और फिर मुझे अगर बेसन कम लगा तो मैं इसमें मज़ीद और बेसन ऐड करूंगी। ये अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और थोड़ा थोड़ा करके करूंगी। आपने पकोड़ों का जो बैटर बनाना है उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं आपने रखना। पानी आप इसमें जस्ट इतना ही डालेंगे कि ये जो हमने मसाला बनाया है ये आलू और प्याज के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, या आप ये कह लें कि हमारे जो पकोड़े हैं वो बाइंड होने लगे बेसन की वजह से। ये देखें, इसमें मैं बिल्कुल ज़रा सा बेसन डालूंगी और बिल्कुल ज़रा सा मैं पानी डालूंगी। और यहाँ पर आकर इसमें आप नमक मिर्च पेस्ट करके उसको सेट कर लेना अपने हिसाब से। और सबसे आखिर में मैं इसके जो मेथी के पत्ते जो मैंने आपको दिखाए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। ऑयल मैंने लो फ्लेम पर काफ़ी देर से रखा हुआ गर्म होने के लिए। अब मैं चेक करती हूँ कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए गर्म हो गए, मैं फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेती हूँ और अब मैं इसमें पकोड़े डाल के फ्राई करूँगी। आपको अगर आप इजी लगे तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ, स्पून की मदद से डाल रही हूँ।
अब मैं इनको 2 से 4 मिनट तो ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी, मैं इनको स्पून नहीं चलाऊंगी। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे तो फिर मैं स्पून चलाऊंगी। या अभी से आप अभी अभी हमने इसमें पकौड़े असल में डाले हैं, अभी आप अगर स्पून चलाएंगे तो वो सारे आपके जो है ना पकौड़े टूट भी जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्राई होने दें, फिर इसको हम हिलाते हैं। ये बीच वाले देखें ये हो गए, और ये जो साइड वाले हैं इनको मैं ऑयल में कर देती हूँ। ये देखें अब ये अलग अलग हो गए सारे। इन पकौड़ों में अज़ा जितने कम हैं, ये खाने में उतने ही लजीज और टेस्टी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। ये देखिए जी, ये लाइट गोल्डन जो है हो गए, और अब मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगाया, उसमें मैं इनको निकालने लगी हूँ। ये देखिए इनका माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि आप कोई चीज़ भी ऑयल में फ्राई कर रहे हो और उसको आप फ्लेम को लो करके निकालें। इससे ये होता है कि जैसे ही आप फ्लेम को लो करते हैं, वो जो ऑयल होता है ना, वो आपकी उसी चीज़ के अंदर जाना शुरू हो जाता है। फर्स्ट करें अगर मैं पकोड़े निकाल रही हूँ और अगर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँ या इसको बिल्कुल ही लो करके फिर मैं इसमें से पकौड़े रिमूव करूँ, तो ये फ़ौरन से ना ऑयल पी जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखा करें। जिस फ्लेम पर मैंने बनाए हैं, मैं उसी पर जो है ना पकोड़े बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा लो करूंगी क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा फुल गर्म है, तो इसमें जो बाकी जो बैटर बचा हुआ है मेरे पास पकोड़ों का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
ये मैंने इसमें डाल दी, तो इसको भी जो लास्ट मैंने जैसे फ्राई किया ना, इसको भी मैं आपको फ्राई करके फिर दिखाती हूँ। ये पकोड़े सारे रेडी हो गए और आप चेक करें ये माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और खस्ता पकोड़े बने। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पकोड़ों का एक बहुत ज़बरदस्त और लजीज किस्म का सालन भी रेडी होता है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पकोड़ों का सालन भी बनाकर दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।